शांति आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, आज वतन में अलग अलग प्रकार की डेकोरेशन दिखाई दे रही थी। एक डेकोरेशन में दिखाई दे रहा था काफी सारे क्वेश्चंस, बहुत सुंदर डिजाइन में और डेकोरेशन के रूप में दिखाई दे रहे थे। दूसरी तरफ ऐसा कंफ्यूजिंग कोई चीज दिखाई दे रही थी, लेकिन थी बहुत सुंदर। उसका ना स्टार्टिंग पॉइंट दिखाई देता था ना उसका एंड पॉइंट दिखाई देता था, लेकिन उसका सर्कल इतना सुंदर बना हुआ था कि जैसे कोई किसको कहे कि इसके अंदर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ इसका हो रहा है वो दिखाई नहीं दे रहा था। और तीसरी तरफ देख रहे थे कई प्रकार के डिजाइन बने हुए पेपर्स वहाँ पर रखे हुए थे, और एक तरफ देख रहे थे बहुत सुंदर एक मॉडल बना हुआ था फरिश्ते के रूप में। और कुछ सेकंड के बाद देखती हूँ कि बाबा हर एक चीज को बहुत ध्यान से देख रहे थे। तो बाबा ने क्या किया कि बहुत ध्यान से देखते ही जा रहे थे और मैं भी देख रही हूँ, बाबा का मेरी तरफ ध्यान कम ही था। फिर कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, आओ बच्ची। मैंने कहा, बाबा आज वतन में तो ये बहुत सुंदर लग रहा है डेकोरेशन। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, मालूम है बच्चों की रूहान, बच्चों के प्यार का जो स्वरूप है, और बच्चे जो बाबा से बात कर रहे हैं समय प्रमाण, बच्चों के मन में क्या क्या बातें चल रही हैं, आज हर एक बच्चे के संकल्प बाप के पास पहुंचे हैं, तो बाप हर एक बच्चे के संकल्प पुरुषार्थ और परिवर्तन को देख रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन वाला था तो उसमें बाबा देख रहे थे, तो बाबा ने कहा, मालूम है कि वर्तमान समय समय की परिस्थितियों को देख करके कई बच्चों के अंदर ना जाने कितने प्रश्न उत्पन्न होते जा रहे, क्यों, क्या आगे कैसा होगा, क्या पुरुषार्थ करना है, ऐसे उन्होंने बहुत लंबी लाइन बना करके वो बाबा के सामने रखा है। तो बाबा को पूछते, बाबा अब क्या पुरुषार्थ करना है। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बाप ने तो पहले ही बता दिया है कि पुरुषार्थ के किस स्वरूप में टिकना है। तो बाबा ने कहा, ये जो क्वेश्चंस बार बार बच्चों के मन में कि क्या करना है, उस क्वेश्चन के लिए बाबा ने उस समय क्या किया, बिंदी दिखाया, लेकिन उस बिंदी के अंदर बहुत जबरदस्त लाइट निकल रही थी, और जैसे वो लाइट निकलती थी सारे क्वेश्चंस जो थे वो बहुत सुंदर मोतियों की माला बन जाती थी। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को क्या करना है, वर्तमान समय अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित होकर के और ओरिजिनल को जान करके ज्वाला स्वरूप में रह करके रहेंगे तो ये जो क्वेश्चंस की माला है
ये एक बहुत सुंदर मोतियों के माला के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। फिर उसमें बाबा ने क्या दिखाया, जैसे वो बहुत सुंदर बिंदी लाइट की दिखाई दे रही थी, उसके साथ बाबा ने तीन बिंदी और दिखाया। बाबा ने कहा कि बाप ने बच्चों को पहले ही बता दिया है कि ड्रामा की बिंदी को बच्चे जिस रूप में लगाना चाहिए उस रूप में नहीं लगाते। बाप बिंदी, मैं बिंदी उस स्वरूप के अंदर पूरी तरह से नहीं टिक पाते हैं, तो इसके कारण से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बाबा ने कहा इन क्वेश्चंस के समाधान के लिए पहला है कि अपने ओरिजिनल स्वरूप और बाप के साथ जो प्राप्तियां हो रही हैं उस स्वरूप में टिके। फिर जो वो कन्फ्यूजन वाला दिखाया था, जो गोल सर्कल के रूप में जिसका शुरू भी नहीं दिखाई दे रहा था ना एंड, तो बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे कन्फ्यूजन कर लेते हैं कि क्यों स्टार्ट किया, कैसे किया, कहाँ एंड करना है, तो वो बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। तो बाबा ने कहा जब जब कोई भी बात की कन्फ्यूजन आती है तो बाप कंपेनियन को याद रखे और कंबाइंड स्वरूप में रहे। तो जब कंबाइंड स्वरूप में रहेंगे और कंपेनियन को याद रखेंगे तो ये जो कन्फ्यूजन की आदत पड़ गई है और बीच बीच में जो कन्फ्यूजन का माया का सामने जो पर्दा आ जाता है वो माया का पर्दा ऑटोमेटिकली हटेगा कि बाप कंबाइंड है और कंपेनियन है। फिर तो बाबा ने और जो फरिश्ता रूप दिखाया था तो बाबा ने कहा समय बच्चों को कैसे तीव्र पुरुषार्थ करा रहा, समय अनुसार बच्चों को एक मौका मिला है कि फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर। बाबा ने कहा समय अनुसार लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई हमको रास्ता दिखाए, कोई हमको आशा की किरण दिखाए, तो ऐसे समय पर बच्चों को अपने सूक्ष्म स्वरूप के द्वारा फरिश्ता बनकर के स्नेह की लहरें, आशा की किरणें पूरे विश्व के अंदर फैलानी है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट या दूसरे लोग हैं, कई तरह की रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने बच्चों को रिसर्च से पहले ही उस स्वरूप में टिक करके ऐसा साकाश देने की जो बाबा ने बच्चों को विशेष उपलब्धि कराई है, विशेष समय इनके सामने आया है, तो वो स्वरूप सबके सामने अभी प्रत्यक्ष करना है। फिर तो क्या हुआ, बाबा ने ना सब बच्चों को वहाँ पर इमर्ज किया और इमर्ज करते ही बाबा जैसे दृष्टि दे रहे थे तो बाबा की दृष्टि से हर एक के ऊपर लाइट पड़ती थी और लाइट में भी हर एक का स्वरूप जो है अलग अलग बनता था। किसी का फरिश्ता स्वरूप था, किसी का शक्ति स्वरूप दिखाई दे रहा था, किसका देवता के रूप में था, किसी का ऐसे अलग अलग प्रकार से ईष्ट रूप दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो दुनिया में हर एक अपने ईष्ट को याद कर रहा है, तो तुम बच्चे अब ईष्ट स्वरूप कैसे बन सकते हो उसके लिए बच्चों को विशेष ध्यान देना है, क्योंकि अभी तक बच्चे स्वयं के ऊपर बहुत ध्यान दे भी रहे हैं लेकिन परिवर्तन की शक्ति अभी कम आई है, तो इसलिए स्वयं के ऊपर ध्यान दे करके परिवर्तन की शक्ति को ला करके ईष्ट स्वरूप बनके भक्तों को और दुनिया में जो लोग हैं घबराए हुए हैं उनको एक सहारा देना है, उनको एक नई जागृति लानी है
ताकि उनको लगे कि हमें सब कुछ परमात्मा से, बाबा से मिल सकता है। फिर तो बाबा ने सबको बहुत प्यार भी कर रहे थे, तो बाबा ने कहा समय अभी परिवर्तन कराने के लिए बहुत तेजी से बच्चों के सामने उनको आगे बढ़ा रहा है, लेकिन इस पर बच्चों को विशेष ध्यान देना है। फिर तो मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा दृष्टि के द्वारा सबको बहुत निहाल कर रहे थे। फिर मैं वापस आ गई बाबा के पास, वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को जाने के साथ ही सभी भाई बहनों की, सदगुरु बार की बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। जैसे ही वतन में गई तो देखती हूँ बाबा के सन्मुख दो प्रकार की थाली रखी हुई है, एक भोग की थाली, एक थाली के ऊपर लिखा हुआ था खट्टी मीठी यादें और एक पर लिखा था सिर्फ स्नेह भरी यादें। तो मैंने बाबा को कहा आज इस प्रकार दो प्रकार की थाली के ऊपर ये शब्द कैसे लिखे हैं। बाबा एक सेकंड मुस्कराए, मुस्कराने के साथ बाबा ने कहा कि बच्ची अभी जो समय चल रहा है दुनिया वालों के आगे कई प्रकार की जो परिस्थिति आई है, इसलिए कोई तो भगवान को, शिव बाबा को गाली भी दे रहा है, कोई समय को गाली दे रहा है ऐसा समय आया है, कोई परिस्थिति आती है तो समय भी अपने मन को बहुत दुविधा में ले आते हैं, कई प्रकार से याद करते रहते हैं, याद भी करते हैं और बाबा ने कहा बाप को गाली भी देते हैं अनेक रूपों से। बाबा ने कहा क्योंकि दुनिया वालों के लिए जो उनका स्थान था भगवान के प्रित, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारे हैं, चाहे चर्च है, चाहे मस्जिद है, कोई भी स्थान है, सब बंद कर दिए गए हैं। इसलिए मन ही मन कोई ना कोई प्रकार से समय को भी देते हैं, परिस्थिति को भी देते हैं, क्योंकि वह ऐसा वातावरण को नहीं देख पा रहे हैं। और जो दूसरी थाली थी मीठी यादें लिखी हुई थी, तो बाबा ने कहा कि बाबा के बच्चे समय के अनुसार, हर बाबा का बच्चा चाहे छोटा स्थान है चाहे बड़ा स्थान है, हर स्थान पर बाबा को कुछ ना कुछ बूंदी हलवा, कोई ना कोई चीज का फल दूध का भी भोग लगाते हैं। बाबा ने कहा हर बच्चा बाबा का अपने भी घर में बैठा है, पर बाबा ने उस बाबा का फोटो भी जरूर बच्चों ने रखा हुआ है और बाप की याद भी उन बच्चों को समाई हुई है। तो बाबा ने कहा कि यही दुनिया में और बाबा के बच्चों में ये अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा कि इसलिए, इतना कहते हुए बाबा ने फिर बताया कि आप बच्चे इस समय को,
क्या कहेंगे। तो एकदम थाली के ऊपर शब्द एकदम बाबा ने स्पष्ट किया कि आप बच्चों के लिए समय जो कुछ भी होता वो कल्याणकारी होता है। दूसरा, ड्रामा की भावी ऐसी बनी हुई है उसको कोई टाल नहीं सकता। और तीसरा शब्द था, बाबा ने कहा कि अलर्ट रहने के लिए और एवर रेडी रहने के लिए। तो इस प्रकार दूसरी थाली पर दुनिया के जो लोगों के शब्द मन के भाव वह थे उस थाली पर नजर आ रहे थे। और बाबा की जो भोग की थाली थी, बाबा ने कहा कि जब भी बच्चे याद देते हैं तो स्नेह भरी प्यार भरी याद देते हैं। कभी बाबा को बच्चे कभी खट्टी यादें नहीं देते। हर एक बच्चा यही कहता है मेरी बाबा को बहुत बहुत मीठी याद देना। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा अभी चारों तरफ यही चक्कर लगाते देख रहे हैं कि हर स्थान के बच्चे, चाहे विदेश के भी बच्चे क्यों ना हो, पर बाबा के बच्चे होने के कारण उन बच्चों को भी ड्रामा की ढाल, ड्रामा की भावी बुद्धि में रख, समय को सामने रख चल रहे हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए सभी बच्चों की याद, संकल्प तो बाबा के पास पहुंचता ही है और बाबा भी उन बच्चों की याद और संकल्प को अपने दिल में समा लेते हैं। तो बाबा ने संदेश इतना सुनाया और जिन भी आत्मा प्रति भोग था उनकी भी बाबा को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया। और बाबा ने भी उन भाई बहनों को भी विशेष इमर्ज करते हुए भोग भी स्वीकार कराया और बाबा ने सभी को बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी। बाबा का याद प्यार लेके नीचे पहुंच गए। ओम शांति।